अगर आपके ग्राफिक्स कार्ड का वेट 1 किलो के आसपास या उससे ज़्यादा है तो आपका कार्ड साइड से बेंड हो सकता है, जिसे हम GPU सैग भी कहते हैं। नतीजा, आपके ग्राफिक्स कार्ड और मदरबोर्ड के बीच में जो कनेक्शंस है वो लूज हो सकते हैं और आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे इसको ईजिली फिक्स कर सकते हैं। बेसिकली एक ग्राफिक्स कार्ड कैबिनेट में सिर्फ दो ही जगह से कनेक्टेड होते हैं। पहला कनेक्शन होता है मदरबोर्ड में जो PCI-e स्लॉट है उसके साथ, और दूसरा कनेक्शन होता है बैक साइड में एक स्क्रू के द्वारा कैबिनेट के साथ। बस इसी दो कनेक्शन के ऊपर पूरा ग्राफिक्स कार्ड टिका रहता है, बट सामने की तरफ से कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। इसी कारण से कुछ टाइम बाद ग्राफिक्स कार्ड सामने की तरफ से झुकना शुरू कर देता है। अब देख लेते हैं हम इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ PCI-e स्लॉट कवर। जब हम ग्राफिक्स कार्ड को इंस्टॉल करते हैं तब आपको इसे निकालना पड़ता है कैबिनेट से। वैसे तो ये बहुत हल्के होते हैं पर कार्ड को सपोर्ट देने के लिए काफ़ी मजबूत है। इसे हम एज ए ग्राफिक्स कार्ड सपोर्ट ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। अब पहले तो अच्छी तरह से आपको मेजरमेंट ले लेनी है ताकि ज़्यादा टाइट या लूज ना हो। ये स्क्रू यहाँ पे पहले से ही लगा हुआ था, मैं इसी पे सपोर्ट ब्रैकेट को लगाने वाला हूँ। अब मैं प्लायर की मदद से मेजरमेंट के अकॉर्डिंग दोनों साइड पे बेंड करके इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। तो हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, ये अब कभी नहीं हिलने वाला। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने ग्राफिक्स कार्ड के नीचे एक सपोर्ट ब्रैकेट लगा सकते हैं और ग्राफिक्स कार्ड को इजीली सिक्योर कर सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।